Hello friends, I'm Vaishali Sharma from Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalay College, graduation final year student. This video is about introduction of network and types of network. Now what is network? Network एक system है जिसमें multiple computers connected होते हैं को किसी भी information को share करने के लिए या resources को share करने के लिए. अब network की characteristics क्या होती है? सबसे बेसिक तो यही है कि जो कोई भी नेटवर्क हो वो रिसोर्सेज शेयर कर सके नेटवर्क के थ्रू. दूसरा, उसका परफॉर्मेंस मेजर कैसा है, मतलब अगर नंबर ऑफ पीपल किसी नेटवर्क में कनेक्टेड है तो वो कितनी स्पीड के साथ में हमारा डाटा को ट्रांसमिशन, कितना टाइम लग रहा है हमारे डाटा को ट्रांसमिट होने में सेंडर से रिसीवर तक. उसके बाद में आती है रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी का मतलब यहाँ पर इस बात से है कि हम जिस नेटवर्क में के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपना रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, वो कितना रिलायबल है. अगर किसी हार्डवेयर फेलियर होने से या किसी कनेक्टिविटी इशू की वजह से उस पर कुछ अफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आपका नेटवर्क कितना रिलायबल है, यहाँ उस बारे में बात की है. फिर दूसरी बात आती है स्केलेबिलिटी. अगर हम किसी टाइप के प्रोसेसर को हमारे नेटवर्क से कनेक्ट कर देंगे तो जो हमारे नेटवर्क का परफॉर्मेंस मेजर है वो इंक्रीज हो जाएगा. और एंड में सिक्योरिटी. सिक्योरिटी सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी नेटवर्क की. अगर आपका नेटवर्क सिक्योर नहीं है तो कोई भी अनऑथराइज पर्सन इजीली आपके नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है, आपके डाटा को लीक कर सकता है या फिर मैनिपुलेशन कर सकता है, जिससे काफी प्रॉब्लम हो सकती है. नाउ आई हैव लिस्टेड सम ऑफ द टाइप ऑफ नेटवर्क्स व्हिच आई विल एक्सप्लेन इंडिविजुअली. फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसको हम पैन बोलते हैं, ये सबसे छोटा बेसिक टाइप है नेटवर्क का. फॉर एग्जांपल, जो हम लोग वायरलेस मॉडेम हमारे घर पे यूज करते हैं जिससे हमारा मोबाइल फोन, कंप्यूटर, प्रिंटर या टैबलेट जो भी कनेक्टेड होता है, हम उसे पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं. ये एक बिल्डिंग के अंदर एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर बाउंडेड होता है, इसलिए हम इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं. नेक्स्ट है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन. बहुत से लोग लैन के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे कि लैन जो होता है प्राइवेटली ओन नेटवर्किंग सिस्टम है. मतलब कोई भी हम कॉलेज की बात कर लें, लैब, जैसे हमारी कंप्यूटर लैब होती है वो एक लैन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होती है. सपोज हम लैन नेटवर्क के लिए लैन केबल्स को यूज करते हैं हमारे इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए. लैन जो होता है हमें हाई स्पीड फॉर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है. हम इसे केबल के अलावा भी वायरलेस टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं. तो लैन हम हमारे घर में, ऑफिस में या फिर कंप्यूटर लैब्स, यूनिवर्सिटीज में लैन के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं. दूसरा आता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में और लोकल एरिया नेटवर्क में कोई डिफरेंस नहीं है. बस लैन में हम केबल्स का यूज करते हैं, बट वायरलेस में ये वाईफाई के थ्रू होता है. वाईफाई के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं हमारे डिवाइसेस को और हमारा डाटा और रिसोर्सेस को शेयर करते हैं. फिर नेक्स्ट आता है कैंपस एरिया नेटवर्क. जो कैंपस एरिया नेटवर्क है वो लैंड नेटवर्किंग से बड़ा है और मैन से छोटा है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से छोटा है. ये जो नेटवर्क होते हैं यूजुअली हम यूनिवर्सिटीज में या फिर स्कूल में यूज करते हैं, जो कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होने के लिए हम करते हैं, जिसके थ्रू हम हमारी रिसोर्सेज है या कम्युनिकेशन है करते हैं. फिर आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है 100 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो सकता है, मतलब एक सिंगल सिटी को आराम से ये कवर कर सकता है. जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारी जो टीवी की केबल्स जो होती है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होती है. या फिर अगर बहुत सारे लैन नेटवर्क जो है, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, बहुत सारों को हम जोड़ देंगे तो एक
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्रिएट हो सकता है। फिर आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क को हम नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क बोलते हैं, जिसको हम टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। जो वैन है, वैन के थ्रू हम किसी भी पर्सन से, वो वर्ल्ड में कहीं भी रहता हो, उसे इजीली बात कर सकते हैं एक नेटवर्क के थ्रू। सपोज मैं इंडिया में हूँ और मुझे कहीं फॉरेन कंट्री जैसे रशिया या जापान या उनमें से किसी भी पर्सन से इंटरेक्ट करना हो, तो मैं वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू उनसे कम्युनिकेट कर सकती हूँ, जिसका बेस्ट एग्जांपल इंटरनेट है। नेक्स्ट आता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क जो है लैन और वैन पे रिलाई नहीं करता है। इस बेसिकली इसको हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए बनाया है। ये जो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस होता है उसको नेटवर्क से शिफ्ट करके हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क में प्लेस कर देता है, जिससे जो हमारा कनेक्टेड ड्राइव या जो सर्वर है अटैच, वहाँ पे ये जो हमारा डाटा हमने जो ट्रांसमिट किया है वो स्टोर हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टम एरिया नेटवर्क। सिस्टम एरिया नेटवर्क को भी हम लोग SAN के नाम SAN के नाम से जानते हैं। ये जो है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए ही, जो कि हाई स्पीड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है सर्वर टू सर्वर एप्लीकेशन में और प्रोसेसर टू प्रोसेसर एप्लीकेशन में। फिर उसके बाद में आता है पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क पोलन। ये जो है ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके बाद से काफी डिफरेंसेस आए हैं नेटवर्क में। इस नेटवर्क ने हमारे ट्रेडिशनल नेटवर्क कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें काफी चेंजेस लाए हैं, जो कि हमारा लैन जो कि इंटरनेट ईथरनेट प्रोटोकॉल पे बेस्ड था, पोलन के आने के बाद में जैसे लैन में पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, लेकिन पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क के तो हम पॉइंट टू मल्टी पॉइंट लैन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मतलब ये स्प्लिट कर देता है सिंगल मोड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम को। नेक्स्ट आता है एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। इस टाइप के नेटवर्क को कोई पर्सनली ओन बिजनेसेस में यूज किया जाता है, ताकि वो अपने डिवाइसेस को सिक्योरली कनेक्ट कर सके और अपनी लोकेशन के साथ में ब्रीफ रहे। फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की मैं बात करूं, जो कि मेरा लास्ट लिस्टेड नेटवर्क है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है, इसने हमारे प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस को एक्सटेंड किया है। जैसे प्राइवेट नेटवर्क को हम प्राइवेटली ही यूज करते हैं, लेकिन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू हम रिमोटली किसी भी एरिया में बैठ के हमारा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कर सकते हैं, हमारे प्राइवेट नेटवर्क को रिमोटली हैंडल कर सकते हैं। सो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स थे जो कि आज मार्केट में यूज होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।